वेलकम दोस्तों। रेलवे का ये अगला सीरीज है, ठीक है, जिसमें रेलवे से क्वेश्चंस आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम के आए हुए हैं, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो रेलगाड़ियाँ समान दिशा में दौड़ रही हैं। ठीक है, एक देखिए ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, समान दिशा में इस तरफ तेज चलने वाली रेलगाड़ी और धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। ये 80 है तो ये तेज होगी, ये 50 ये स्लो होगी। इसमें एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर, ये फास्ट वाली ट्रेन जो है इस आदमी को 12 सेकंड में पार करती है, कितने, 12 सेकंड में। ठीक है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, इसकी आपको लेंथ बतानी है। देखिए ये जो ट्रेन है इसमें जो आदमी बैठा हुआ है, ये जब ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ पहुँच जाएगी, मतलब आदमी इस पार आदमी को पार कर लेगी, तो ये ट्रेन जो है इस आदमी को पार कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये स्वयं की लंबाई पार करेगी, इसकी लंबाई से जो ये दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी लंबाई को पार करेगी। जैसे ही ये ट्रेन यहाँ पहुँच जाती है, ये आदमी को पार कर लेगी, तो खुद की लंबाई पार करेगी। तो इसकी लंबाई मुझे पता नहीं, तो मैंने एल मान लिया। ठीक है, अपॉन अपॉन में जो स्पीड होगी आपकी, स्पीड देखिए जब समान दिशा में चलती है तो स्पीड क्या होती है, लेस हो जाती है, क्योंकि तो जैसे जैसे आगे चलेगा वैसे वैसे ये ट्रेन भी तो आगे चलेगी ना, तो समय ज़्यादा लगेगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होती तो स्पीड आपकी ऐड हो जाती, तो ये भी साथ में चल रही है और ये भी साथ में चल रही है, ये थोड़ी स्पीड ज़्यादा है इसलिए ये इसको पार कर लेगी। तो समान दिशा में होती है तो स्पीड क्या होती है, लेस हो जाती है। तो 50 में ऐसा 80 में से 50 गया, 30 बचेगा। ठीक है, ये दूरी, क्योंकि उसने अपनी लंबाई पार की तो दूरी बटे चाल हो गई आपकी, बराबर समय, समय लगता है 12 सेकंड, 12 सेकंड हो गया। ठीक है, अब ये आपका ऊपर जाएगा, ये है सेकंड में और ये स्पीड आपकी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और आपको लेंथ मीटर में निकालनी है, मीटर में निकाल लिए तो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में ला के जाते हैं, क्योंकि टाइम भी आपका सेकंड में, मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करेगा वो, 5/18। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 3 से करेंगे ये 10 बार जाएगा। ठीक है, 2×5 = 10 और 10 = 100, तो 100 मीटर आपकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसको जरा ध्यान से देखिए, जो ज़्यादा स्पीड से ट्रेन चल रही है और छोटे वाले में एक आदमी बैठा होगा उसको पार कर रही है, तो ये खुद की लंबाई पार करती है। ठीक है, इसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं है, ये जब इसे पार करेगी ये ट्रेन जो है वो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच जाएगी, आदमी को पार कर लेगी, तो अपनी लंबाई पार करी तो लंबाई बटे, और सेम डायरेक्शन में तो स्पीड दोनों की लेस हो जाएगी और यहाँ पर समय आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दो रेलगाड़ी एक समान दिशा में क्रमशः 58 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। दो रेलगाड़ियां हैं, एक है 58 और एक है आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धीमी रेलगाड़ी में बैठी एक महिला, धीमी रेलगाड़ी ये है आपकी, ठीक है, इसमें एक महिला बैठी हुई है, महिला को तेज चाल से चलने वाली रेल पार करने में 36 सेकंड लगती है। ये इसमें बैठी है, अब ये महिला इस ट्रेन को पार करेगी। ठीक है, अब देखिए जिसकी स्पीड कम है बड़ी वाली स्पीड को कैसे पार कर लेगी। ठीक है, ये तेज ट्रेन इसको पार करती है तो बात अलग है, अब ये कम स्पीड वाले में बैठी और इसके इस ट्रेन को पार करेगी तो ये पार नहीं कर पाएगी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसमें एक कंडीशन दी जाती कि बड़ी वाली ट्रेन कुछ समय के लिए रुकती है तब कुछ यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और कंडीशन आपको नहीं दी गई है, सिंपल सा ये बोल दिया कि एक कम स्पीड वाली ट्रेन है, एक ज़्यादा स्पीड वाली है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही है और
कम स्पीड वाली ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, या ये यहाँ पर बैठा होता, ठीक है, और ये कह रहे कि कम स्पीड वाली इस ट्रेन को पार करेगी, तो ये नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक 45 है ये, एक आपकी इस तरफ से आ रही है 54 है, ठीक है, प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अपोजिट डायरेक्शन में धीमी गति वाली रेलगाड़ी की को तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे, तेज गति वाली में एक, तेज गति में ये यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और अब पार कर लेगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है, चाहे व्यक्ति इसमें बैठा हो कम स्पीड वाली में, चाहे आपकी ज़्यादा वाली में बैठा हो, ठीक है, चाहे ज़्यादा वाली में चाहे कम वाली में, कैसे भी बैठा हो तो वो पार कर लेगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इसलिए। तो इसको टोटल टाइम लगता है 10 सेकेंड, ठीक है, तो बताने की धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। चलिए, ये धीमी रेलगाड़ी है ना, ये जो व्यक्ति को, जब ये रेलगाड़ी इस डायरेक्शन से आ रही है ना, तो ये जब ट्रेन ऐसे पहुंच जाएगी, ये इसका इंजन होगा, ये पीछे वाला डब्बा होगा, ऐसे आपका होगा ना, तब ये इसे पार करेगी, तो ये अपनी लंबाई पार करेगी, ठीक है, तो इसकी हम लंबाई मान लेते हैं, अपॉन अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो स्पीड ऐड हो जाएंगी, तो स्पीड होगी 99 इक्वल टू समय, समय आपका है 10 सेकेंड, ठीक है, ये 99 आपका ऊपर जाएगा, ये आपका है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकेंड है, और आपको मीटर में निकालना है, तो 5/18, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 2 = 18, 2 × 5 = 10, 25 में करेंगे तो 25 × 25, 25 × 25 = 2 = 27, 275 मीटर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसमें भी दोनों की लंबाई का कोई महत्व नहीं है, ये जो पार करेगी ना, ये यहाँ से जब यहाँ पहुँच जाएगी तो खुद की लंबाई पार करेगी, ठीक है, उसी लंबाई को मैंने लेना है यहाँ पे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड हो जाएगी बराबर समय। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक मालगाड़ी के द्वारा एक स्टेशन पार करने के 3 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 6 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या होगी। क्वेश्चन ज़रा समझिए, ये एक मालगाड़ी है, वह ये स्टेशन को पार करती है, ये आपका स्टेशन है, स्टेशन पार करने के बाद वो कुछ दूर चली होगी और कहीं ना कहीं वो गाड़ी आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है, ये आपका हुआ सवाल। आगे देखिए, दूसरी गाड़ी आपकी ये, अच्छा इसको जब पार किया ये, तो ये 3 घंटे लगे इसको, अब दूसरी गाड़ी ये जो गाड़ी है आपकी, ये है सवारी वाली, मान लीजिए मालगाड़ी थी सवारी वाली थी, ये यहाँ से शुरू हुई और ये ट्रेन यहाँ पहुँच, क्योंकि इसको पार करेगी ना, ये ट्रेन यहाँ तक है, ये ट्रेन यहाँ तक पहुँच चुकी होगी, तो इससे यहाँ तक टोटल टाइम लगा कितना, 6 आवर, स्टेशन पार करने में से 6 लगा, जैसे स्टेशन पार किया तुरंत ये गाड़ी स्टार्ट होगी, जो 6 घंटे और लगे, तो ये 6 घंटे और भी तो चली होगी, तब जाके ये यहाँ पहुँची होगी, ठीक है, तो डिस्टेंस आप देखेंगे, डिस्टेंस तो आपकी सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस को अगर हम डी मान लेते हैं, ठीक है, या एक काम कीजिए, डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस को हम ही यहाँ रखते हैं, तो इक्वल टू हो गया आपका। स्पीड जो मालगाड़ी, उसकी स्पीड मुझे पता नहीं, मैंने एक्स मान ली, समय आपको लगा 6 और 3, 9 घंटे का लगा, 3 घंटे में स्टेशन पार किया, उसके बाद 6 घंटे ये चली, तो 6 घंटे ये भी कंटिन्यू चलती रही होगी, इसकी स्पीड पता है मुझे, इसकी स्पीड है
चौवन किलोमीटर प्रति घंटा सवारी की, और इसे टाइम कितना लगा, 6। 40 गुणे समय, 40 गुणे समय डिस्टेंस बराबर है, इसको सॉल्व करना था, 9 6 का 54, तो एक्स बराबर 36 आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, 36 आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है, यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 12 मिनट देर से पहुंचती है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। देखिए, इस क्वेश्चन का एक मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। इसमें होता है इस टाइप क्वेश्चन अगर आए तो चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर गुणा समय, जो भी आपका देरी से पहुंची है। ठीक है, तो चालों गुणनफल आपका हो जाएगा 50 गुणा 45 अपॉन आपका हो जाएगा 5, अंतर है इसका, समय कितना है 12। ठीक है, 12 मिनट, 12 मिनट है, इसको मुझे आवर में चेंज करना है तो आवर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, 60 का भाग दे के, 5 45 जीरो जीरो कट गया आपका, 6 दूनी 12, ठीक है, 9 दूनी 18, 5 45, ठीक है, ये मैंने काटा, 6 दूनी 12, 6 कम 6 कैंसिल हो गया आपका, ये किससे कैंसिल हुआ था, तो ये 0 0 हो गया था, 9 दूनी 18, 18 5 90, तो 90 किलोमीटर आपकी स्पीड आएगी, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलिए शायद कहीं मिस प्रिंट हुआ हो, चलिए एक बार और यहाँ पर देख लेते हैं। 50 गुणे 45 बटे अंतर 5 गुणे 12, इसको आवर में चेंज करना है। ठीक है, चलिए अच्छे से काटते हैं, ये 10 टाइम्स मान लीजिए होगा, 12 5 60, ठीक है, 5, ठीक है, 90 ही आपका आएगा, ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच जाती है, यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 15 मिनट देर से पहुंचती है, तो उसकी दूरी बतानी है, वही हो जाएगा चालों का गुणनफल चालों का अंतर गुणा समय, मिनट में है तो आपका ये 60 हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 105, ठीक है, किलोमीटर ये डिस्टेंस आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुकने वाले स्थानों को छोड़कर ट्रेन की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने वाले स्थानों सहित यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन प्रत्येक घंटे कितनी मिनट के लिए रुकती है। 150 थी, अगर स्टॉपेज नहीं लेती है तो स्टॉपेज ली तो उसकी 90 हो जाती है औसत। ठीक है, तो देखिए अंतर कितने का है, अंतर है आपका 60 का। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, तो 150 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आपका आवर है, आपको टाइम चाहिए मिनट में, तो 60 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, 0 0 3 2 6, 3 5 15, 12 5 60, तो 12 2 24 मिनट वो रुकती है 1 घंटे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रुकने वाले स्थानों को छोड़कर ट्रेन की गति 120 और रुकने वाले स्थानों सहित 70 है, ट्रेन प्रति घंटे में कितने मिनट रुकती है, वही क्वेश्चन है, 120 70 डिफरेंस देखिए तो आप 50 का है, किसके रेस्पेक्ट में, 120 के गुणा 60, 60 दूनी 120, और ये आपका हो जाएगा 25। ठीक है, 25 मिनट, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके रेलवे में आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसी निरंतर सीरीज चलती रहेगी, आपको किस टॉपिक के चाहिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट।